आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आठवीं जुम्मे की तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में एक लेसन पढ़ा था, कलर्स ऑफ रेनबो। आज हम इस लेसन का मजीद हिसाब पढ़ते हैं, सफ़े नंबर 92 पे। तो पैराग्राफ दूसरा है, ए लाइट ब्रीज वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। The author says that there was a light breeze outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The author says that he had wrapped the bed sheet around him tightly while sitting on the cot. तो मुसनिफ कहता है कि बाहर हल्का सा हवा चल रहा था, तो उसने अपने जिस्म पे एक मोटा सा बेडशीट ओढ़ लिया था और वो चारपाई पे बैठा था। द किड्स वर एट प्ले गोइंग आउट एंड कमिंग इन। द kids were playing, they were going and coming in, they were going out and coming in। तो किड्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे आथर के मुसनिफ के, वो खेल रहे थे, वो कभी बाहर निकल रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे। they were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it। The author says that the kids were making a lot of noise, but he was not aware of it। Oblivious means not aware of। तो मुसनिफ कहता है कि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन वो इससे बेखबर था, यानी वो ये भूल गया था, वो अपने ख्यालों में गुम था। द चिली प्लांट्स वर डांसिंग इन द ब्रीज। जो ये मिर्च के पौधे थे, ये इस हल्की हवा से इधर उधर घूम रहे थे। एंड वाटर ड्रॉप्स वर फॉलिंग फ्रॉम देम। और जो पानी के कतरे थे, वो इन पौधों से हवा की वजह से गिर रहे थे। स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स वर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई। स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स और स्मॉल पीसेस ऑफ क्लाउड्स वेयर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई। तो बादल के छोटे छोटे टुकड़े जो थे, वो आसमान पे उधर उधर घूम रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। समटाइम्स दे कवर द सन एंड इट बिकेम क्लाउडी, एंड समटाइम्स द सन केम आउट। समटाइम्स the clouds covered the sun and it became cloudy and sometimes the sun came out। kabhi kabhar badal suraj ko chhupa rahe the ya suraj badalon ke piche chhup raha tha, to kabhi suraj badalon se bahar aata tha। पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड़ी। मुन्नी वाज सेइंग क्लिकिंग टू मी। द ऑथर सेज दैट व्हाइल क्लिकिंग टू हिम, मुन्नी सेड पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड़ी।
तो आथर कह रहा है कि उसकी छोटी बेटी मुन्नी जो उसके साथ चंबट गई थी वो कहती थी, पापा जी देखो 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 गुड्डा गुड़ी का झूला। तो स्विमिंग हम झूले को कहते हैं, तो गुड्डा गुड़ी यहाँ कहते हैं हम ब्राइड एंड ब्राइडगुम को। वायर इज इट डॉटर आई आस्कड, द आंसर इज दैट ही आस्कड हर डॉटर वायर इज गुड्डा गुड़ी। तो मुसनिफ कहता है कि मैंने अपनी बच्ची से पूछा कि गुड्डा गुड़ी का झूला कहाँ है। देयर अप इन द स्काई मल्टी कलर्ड रिप्लाइड मनी, मनी रिप्लाइड देयर अप इन द स्काई मल्टी कलर्ड, द स्विंग इज मल्टी कलर्ड। तो मनी जवाब देती है कि वहां आसमान पे है, द गुड्डा गुड़ी इज द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड़ी इज अप इन द स्काई, गुड्डा गुड़ी का झूला जो है वो आसमान पे है। इज देयर द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड़ी आई आस्कड, द आर्थर से दैट आई आस्कड, द आर्थर से दैट ही आस्कड हर हिज डॉटर, इज दैट द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड़ी। शी शॉट बैक विथ ए टच ऑफ एनॉयंस, देन हुज इज इट इफ नॉट दियर्स। तो मुसनिफ कहता है कि मैंने बेटी से कहा क्या ये गुड्डा गुड़ी का झूला है, तो उसने मायूस होकर कहा कि अगर ये उनका झूला नहीं है, अगर ये गुड्डा गुड़ी का झूला नहीं है तो फिर ये किसका झूला है। हु टोल्ड यू, द आथर आस्कड हिज डॉटर हु टोल्ड यू दैट इट वॉज द स्विमिंग ऑफ गुड्डा गुड़ी। मुसनिफ कहता है कि मैंने बेटी से पूछा कि आपको किसने ये कहा कि झूला है गुड्डा गुड़ी का। ग्रैंड मा टोल्ड अस, मुन्नी रिप्लाइड दैट दे वर टोल्ड बाय देयर ग्रैंड मा। मुन्नी कहती है कि हमें नानी ने कहा है। आई सी देन इट मस्ट बी सो आई से लुकिंग एट द रेनबो इन द स्काई, द आर्थर सेज दैट आई टोल्ड माई डॉटर दैट देन इट मस्ट बी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी एंड आई लुकड एट द रेनबो इन द स्काई। आर्थर कहता है कि मैंने उनसे कहा फिर तो ये उनका ही झूला होगा, गुड्डा गुड़ी का झूला होगा। तो आथर कहता है कि मैं आसमान पे उस दनक को देख रहा था। पापा जी आई टू वांट ए स्विमिंग, द गुड्डी द मुन्नी आस्कड हर फादर दैट ही टू वांटेड ए स्विमिंग। तो बेटी ने कहा कि मैं भी झूला चाहती हूं, यू कैन हैव दिस वन आई ट्राई टू पुट हर ऑफ, द आर्थर सेज दैट ही वांटेड टू पुट हर डॉटर ऑफ सो ही टोल्ड हर दैट ही कुड हैव दैट वन। तो मुसनिफ कहता है कि मैं अपनी बेटी को चुप कराना चाहता था, इसलिए मैंने कहा
कि आपको भी जो झूला मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हम आज इतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें एक वर्ड आया है लाइट, तो लाइट जो वर्ड है, तो यहाँ जो ये लाइट वर्ड यूज हुआ है, इसको हम ये यहाँ एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो लाइट का मतलब है ऑफ, लिटिल, वेट, कम वजन या खफीफ या कम। तो ये यहाँ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। लाइट ब्रीज इज ब्लोइंग, तो यहाँ वुड लाइट एज एडजेक्टिव हुआ है। तो हम लाइट को एज ए नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पुट द लाइट ऑफ, रोशनी बंद करो। तो इसको हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वी यूज ए लैंटर्न टू लाइट द रूम, हम कमरे को रोशन करने के लिए लालटेन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जो ये लाइट वर्ड है, ये एज नाउन, एज वर्ब एंड एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। वसलम।